हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अगर आपको भी मैथमेटिक्स नहीं आती है तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आज से आपको मैथमेटिक्स आने लगेगी। बस इस क्लास को पूरा एंड तक देखना, बीच में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? प्राइम और कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य और अभाज्य संख्या आपने पार्ट 16 में पढ़ा था। पार्ट 17 में आज आप पढ़ेंगे छोटी व बड़ी भिन्न कैसे समझेंगे, इसका पूरा कंसेप्ट। पार्ट नंबर 15 में आपने पढ़ा था सम और विषम, क्यों भाई? यही पढ़ा था ना, सम और विषम संख्या। तो चलें शुरू करें, चलो देखो आगे क्या समझना है। छोटी व बड़ी भिन्न, देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन के बारे में हमने पार्ट 6 या 7 में डिस्क्राइब किया अच्छे से। आप अगर देखे होंगे तो वहाँ समझ गए होंगे फ्रैक्शन क्या है, किसे कहते हैं, वो सब अच्छे से समझ गए हो। जैसे यहाँ पर 3/5 लिखा है ना, और यहाँ पर मान लो भाई साहब 7/5 लिखा है, तो बाबू इसमें दोनों में कौन बड़ा है, इसको समझना बहुत आसान है। कैसे इसको समझना? ऐसे ही आसान है कि जैसे यहाँ पर 3 चॉकलेट है और उसके हिस्सेदार 5 हैं, और यहाँ क्या है 7 चॉकलेट हैं, उसके हिस्सेदार क्या हैं, यहाँ भी 5 ही हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सा अनुमान लगा सकते हो कि जब 3 चॉकलेट में भी 5 लोग खाने वाले हैं और 7 चॉकलेट में भी 5 ही लोग खाने वाले हैं, तो भाई किस में ज़्यादा ज़्यादा हिस्सा मिलेगा? जहाँ पे माल ज़्यादा रहेगा, संख्या कम रहेगी, वहाँ ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। सिंपल सी बात है, यानी ये भिन्न क्या है, बड़ी है। बात समझ में आई? इसको कैसे समझ पाओगे? जब भिन्न का हर बराबर हो और अंश अलग अलग हो, तब आप इस तरह से आसानी से अनुमान लगा सकते हो। जैसे दूसरे में अगर हम बात करें, यहाँ पर 14/7 और यहाँ पर ये 19/7, यहाँ पर भी आप अनुमान लगा सकते हो। भैया यहाँ पर 14 क्या है, मान लो बिस्किट है, और यहाँ पर खाने वाले कितने हैं, 14 बिस्किट में 7 खाने वाले हैं। यहाँ पर 19 है, यहाँ कितने खाने वाले हैं, यहाँ भी 7 ही खाने वाले हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि 14 और 19 इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है, तो भैया 19 बड़ा है ना, तो ज़्यादा यहाँ पे सामान है खाने वाले, उतना ही है दोनों में, तो ये बड़ा होगा। समझ गए ना? अच्छा एक तरीका और भी, एक चीज़ और भी सुन लो इधर साइड में, समझने के लिए काम आएगा। जैसे मान लीजिए कि 9/11 और यहाँ पर मैंने आपको कहा कि बच्चा एक काम करो 9/5, इन दोनों में बताओ कौन बड़ा है। अब इसमें भी बताना आसान है, जब चाहे ऊपर की गिनती दोनों बराबर हो या नीचे की दोनों बराबर हो, ऐसा अगर कहीं संयोग है तो समझना आसान है। कैसे? यहाँ पर देखो चॉकलेट कितना है, 9 है, खाने वाले 11 हैं, यहाँ भी चॉकलेट कितना है, 9 ही है, खाने वाले 5 ही हैं। अब बताओ किस में ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा? या तो खाने वालों की संख्या बराबर हो या चॉकलेट की संख्या बराबर हो, अगर हम इस रास्ते से समझें, इस तरीके से, तब समझ रहे हो, तब समझना आसान है। भाई यहाँ पर चॉकलेट 9 है, खाने वाले 11 हैं, यहाँ भी 9 ही है, खाने वाले 5 हैं, यानी खाने वालों की संख्या ज़्यादा कम हो रही ना। भाई ज़्यादा लोग आ जाएंगे थोड़ा थोड़ा मिलेगा, कम रहेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, यानी आपका ये क्या है, ये बड़ा है। लेकिन ये मुसीबत तो तब आती है भिन्न में छोटा बड़ा समझने में, जब हमें ये ना पता हो कि भिन्न बराबर हैं या नहीं है। जैसे अब थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेलर आप देखते जाओ, और हाँ एक बात और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें भाई, और इस वीडियो को लाइक करें बाबू, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर इतना आप करते हैं ना तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और हम आपको नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे, बड़ी बड़ी क्लासें आपको देंगे यूट्यूब पे, आप बहुत जल्दी मैथ सीख जाएंगे। लेकिन थोड़ा मोटिवेशन आप लोग अगर देंगे तब, समझ रहे ना? यहाँ पे एक और समझिए, अगर 1/5 और यहाँ पर 7/3 दिया है, अब इसमें हमें कुछ नहीं पता है ना, तो ऊपर ऊपर का बराबर है ना नीचे नीचे का, यहाँ पर आती है मुसीबत, यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ हम एक तरीका करते हैं, वो क्या है, हम नीचे नीचे के दोनों हर हर का एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 15, एलसीएम निकालना आप सभी पढ़े हो, मैं कई बार आपको पढ़ाया हूँ, एलसीएम कितना आएगा बाबू, 15 आएगा। अब जो एलसीएम आया है उसी एलसीएम में पहली वाली भिन्न के हर से भाग करोगे। जब आप 5 से 15 में भाग करोगे, ये आप सभी को करना आता भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको मिलेगा कितना, 3, भागफल 3 आया ना, इस 3 का गुणा ऊपर वाली गिनती में करोगे, यानी 3 × 3। वही तरीका दूसरे में भी करोगे, जो एलसीएम आया है वो नीचे इसके लिए भी हो जाएगा, 3 से भाग करोगे एलसीएम में तो भैया हो बाबू हो, 3 से 15 में भाग करोगे तो 5 आएगा, और 5 का 7 में गुणा करोगे तो 35 आएगा।
यहाँ से आप देखो इनसे हमारा परिचय हो रहा है, यहाँ पर हम कुछ समझ पा रहे हैं। वो क्या है, नीचे के दोनों अंक दोनों में बराबर हैं, ऊपर के अलग अलग हैं। अब यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है ना। जल्दी कमेंट करके बताओ 7/3 बड़ा है या 1/5। देखिए जो भी छात्र बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ ढेर सारा कमेंट आ रहा है। अंजना सिंह आपका भी कमेंट आ रहा है, विनय सिंह ठाकुर बिल्कुल कमेंट आ रहा है, बाबू पंकज शर्मा, लेकिन मैं सबका नाम नहीं बोल पाता यहाँ पे क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा नहीं तो नाम बोलूँगा। 10 ही मिनट 15 मिनट पढ़ाना है तो फिर क्या करूँ, पढ़ाऊँ या नाम बोलूँ। इसलिए आप लोग पढ़ाई कर लो चुपचाप, अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर देना, बाद में वो ज़रूर बताया जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगी अगली क्लास की, सब कुछ। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखो, उसमें अगली सारी क्लासों का लिंक दिया है, ऊपर आई बटन में दिया है। नहीं मिलता है कोई दिक्कत है, नीचे नंबर चल रहा है उस पर संपर्क करिए। हाँ चलिए देखिए, 15 चॉकलेट है खाने वाले कितना है, अरे सॉरी 35 चॉकलेट है खाने वाले कितना है 15। इसमें 3 ही चॉकलेट में 15 है भाई, इसमें तो एकदम रत्ती रत्ती मिलेगा जैसे ऊँट के मुँह में जीरा, क्योंकि है तो 3, खाने वाले 15 है। इसमें 35 है 15 है, इसमें 2-2 से ज़्यादा मिलेगा। हाँ कौन बड़ा है भाई, सिंपल सी बात है, ये बड़ा है 35/15। लेकिन 35/15 किसका हिस्सा है, किस में से आया है भाई साहब, 7/3 के माध्यम से आया ना, यानी इसमें क्या था, 7/3 बड़ा था। सभी को समझ में आया ना, समझ में आया ना, उम्मीद करते हैं आप समझ गए हो। नहीं समझ गए हो बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम ठंडे दिमाग से खोपड़ी पे एक बाल्टी पानी डालो, थोड़ा दिमाग ठंडा करो, अगला सवाल देखो। चलो हाँ पढ़ लेना तब डालना, नहीं तो पानी डालने पहले चले जाओ, पढ़ाई छोड़ के पहले पढ़ लो। देखो अगर 3/2 यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर लिखा 1/3, चलो भाई गधों बताओ इसमें कौन बड़ा है, जल्दी से हर कोई कमेंट करेगा फटाफट। कोशिश कर लो, जिंदगी में बिना कोशिश के कुछ होने वाला है नहीं। अरे गलत ही तुम कमेंट करोगे यार, लेकिन करोगे ना, कोशिश तो करोगे, अनुभव तो मिलेगा। चलो देखो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालना मैं पिछली क्लास में बता दिया हूँ, नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताना ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका गुणा करके ही एलसीएम हो जाता है, जैसे 2 तिहाई 6, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता, ऐसा हर जगह नहीं करना। हाँ एलसीएम 6 हो गया, जब एलसीएम में 2 से भाग करेंगे यानी पहली वाली भिन्न के हर से, तो 3 आएगा और उस 3 का गुणा ऊपर वाले अंश में करोगे यानी 3 में करोगे तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 ठीक है। अभी ये एलसीएम दोनों के लिए आया था, जो आया था तो इसके नीचे भी रहेगा, इसके नीचे भी रहेगा। अब उसी एलसीएम में दूसरी वाली भिन्न के हर से भाग करोगे तो भाई 3 से भाग करो बाबू 6 में तो कितना होगा 2 आएगा, और उस 2 का गुणा ऊपर में करो तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही, निकल के आ रही बाहर। भाई साहब चॉकलेट का एग्जाम्पल मैं पूरे वीडियो में बताया हूँ क्योंकि तुम लोग चॉकलेट ही जानते हो, इसका त्यौहार भी आता है ना। देखो समझो तो 9/6 बड़ा है ना, क्यों, क्योंकि 9 चॉकलेट है खाने वाले 6 हैं, इसमें 2 ही चॉकलेट में 6 लोग हैं, तो कौन बड़ा है भाई, सिंपल सी बात है, ज़्यादा किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा यानी ये बड़ा है। तो इसी तरह से ये आया किस में, इसका बाप तो ये है ना, इसी से तो निकला ना ये, हाँ तो ये बड़ा है, बात समझ में आई ना। अब इस तरह से आप छोटी और बड़ी भिन्नों में अंतर कर लेंगे, बोलो कर लोगे कि नहीं, सभी छात्र जल्दी से हाँ बोले, फटाफट हाँ बोले, हाँ कर लोगे ना, अगर कर लोगे तो चलो फिर देखो कुछ और भी। देखो एक बात अपने दिमाग में आप बना के रखो कि आपको मैथ आएगी, आएगी ही नहीं बल्कि दौड़ेगी, सरपट दौड़ेगी, ऊपर देखो लिखा है ना, दौड़ेगी, पक्का दौड़ेगी। लेकिन करोगे क्या उसके लिए, आप उसके लिए आप एक काम करोगे, वो क्या है पता है, उसके लिए मेहनत करोगे, बाकी कुछ नहीं करना है, मेहनत करना है। देखो इसमें आप लोग मुझे बताओ फटाफट, सभी बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है भाई, इन दोनों में कौन बड़ा है बाबू, चलो इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, जल्दी जल्दी इसमें मुझे कमेंट करके बताना, बेईमानी नहीं करना, जान लो झूठ बोले कौवा काटे, और आगे जानते हो क्या बोलते हैं, आगे बहुत कुछ जानते हो, सब कुछ ना बताओ यहाँ पे। चलो जल्दी से आप सभी मुझे बताओगे फटाफट, हाँ इनमें कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। देखो सब में मैंने एक एक जोड़ी दिया है, पेयर दिया, अकेला नहीं दिया किसी को, इन सबको आपको करना है और बताना है ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। साथियों अगर आप भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं 1 महीने के अंदर तो हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप इंक्वायरी करिए, इस पर आप ज्वाइन पेड लिख के मैसेज करिए और इंक्वायरी करिए,
ध्यान रहे, इसके लिए आपको शुल्क डिपॉजिट करना पड़ेगा, फीस जमा करना पड़ेगा। अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पे ही देखें, व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक महीना के अंदर ही गणित पूरा सीख लेना अच्छे से बेसिक, तो आप मैसेज कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी फ्री की वीडियो तो हम यूट्यूब पे ऐसे देते रहेंगे हरदम, आप चैनल पर बने रहें, सारी क्लासें आपको यूट्यूब पे आएंगी। इसके अलावा पीबीआर स्टडी को फेसबुक पर जरूर फॉलो करें, देर ना करें, ठीक है। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह पीबीआर स्टडी लिख के सर्च करें और फॉलो कर लें, लाइक कर दें, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिलती रहे हमारे बारे में कि क्लासें कब चलेंगी, क्या कैसे कब होगा, सब कुछ हम आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बताते रहते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ।